बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम आईसीटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 डिस्कस कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आज हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए इनपुट डिवाइसेस का। इसके अलावा जो है हम इससे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसकी जो है एपटेक का जो यूट्यूब का चैनल है उस पर आपको वीडियो जो है अपलोडेड हैं। चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोज जो हैं उसके अंदर अपलोडेड हैं। चैप्टर नंबर 2 की भी हमने सैटरडे फ्राइडे तक जितना हमने पढ़ा हुआ है वो सारा वीडियो जो है वो अपलोडेड हैं, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कुछ डिस्कस किया हुआ है, कुछ डिवाइसेस हमने डिस्कस की हैं और कुछ हमारे पास जो हैं अभी रहती हैं, तो ये कंप्लीट हो जाए तो हमारा ये इनपुट डिवाइसेस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सी डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि सो फार हम कौन कौन सी डिवाइसेस डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह मैंने पहले भी कहा था कि पेपर में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये होता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, एनी 3 या 5 इनपुट डिवाइसेस के बारे में वो आपसे पूछते हैं। तो इसमें आप ये 5 कैटेगरीज हैं, तो मैंने पहले भी जिस तरह आपको कहा कि आप हर कैटेगरी में से 1 या 2 जो है डिवाइसेस को सेलेक्ट कर लें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया, सेकंड हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस में माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन के बारे में डिस्कस किया, थर्ड हमने पेन बेस्ड डिवाइसेस जो हैं वो लाइट पेन और ग्राफिक टैबलेट के बारे में डिस्कस किया, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस में हमने स्कैनर के बारे में डिस्कस कर लिया है, आज हम MICR, BCR, OMR ये 3 डिवाइसेस डिस्कस करेंगे और वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यह हमारा जो है इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक जो है इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर हमने लास्ट टाइम स्कैनर डिस्कस किया था, आज हम एक और डिवाइस डिस्कस करेंगे उसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसको MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर डिवाइस कहा जाता है। इज अ करेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज मेनली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्रीज टू ईज द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। ये डिवाइस यूज होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैंक के अंदर, एक चेक को चेक करने के लिए कि ये चेक जो है ये वैलिड है या इसमें कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ, यहाँ पर आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही है, ये डिवाइस को कंप्यूटर के साथ लगाया जाता है, फिर इस डिवाइस के अंदर वो चेक जो है वो इंसर्ट किया जाता है और नीचे इसकी एक लाइन है जो MICR लाइन कोड कहलाती है, इसमें इसके कोड लिखे होते हैं। इस डिवाइस जो है इस कोड के अंदर बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन है जो इस डिवाइस के जरिए से स्कैन करने के बाद हमें उस स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। ठीक है, क्या वो है, मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट नंबर इसके अंदर होता है, ठीक है, बैंक कोड होता है, चेक नंबर है, चेक अमाउंट है और इसके अंदर जो है कंट्रोल इंडिकेटर होता है। तो ये डिवाइस 1940 के अंदर डिवेलप हुई थी MICR और स्टिल यूज हो रही है इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, चेक को प्रोसेस करने के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है। 1940 के अंदर ये डिवाइस बनाई गई थी और स्टिल यूज हो रही। तो जब आप चेक होता कुछ है कि जब आप अपने बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से एक चेक बुक मिलती है, उस चेक बुक के हर पेज पर जिसको लीफ कहा जाता है अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में, तो हर एक उस पे जो है आपको जो है नीचे एक जगह होती है जहाँ पर वो ये कोड प्रिंटर होते हैं। इन कोड्स के अंदर मैंने जिस तरह आपको कहा कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन हिडन है और ये इंफॉर्मेशन हमें कब रीडेबल होती हैं, जब ये इस डिवाइस के जरिए से हम इसको करते हैं
तो हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो विजिबल हो जाती हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है उसमें जो है मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट नंबर क्या है, चेक नंबर क्या है, चेक अमाउंट क्या है, ये सारी बैंक का कोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर 14 डिजिट्स इंफॉर्मेशन होती हैं ये यहाँ पर हिडन है। यहाँ तो हमें ये 0002110 नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो विजिबल होती हैं जब हम इस चेक बुक इस चेक को इस डिवाइस के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले करके बता देगा कि इसके अंदर ये क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये डिवाइस है, इसको डेटा स्कैनिंग MICR इसको कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है मेन यूज इसको, इस डिवाइस को कौन यूज़ करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर को यूज़ किया जाता है, बैंक्स वाले इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। ईज द प्रोसेसिंग, आसान करना, प्रोसेसिंग को क्या करना, ईजी करना, आसान करना। ठीक है, एंड क्लियरेंस ऑफ चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और जो चेक हैं और जो बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमने क्या करना है, उसकी क्लियरेंस करनी है ताकि वो क्लियर हो जाए कि सही है ये डॉक्यूमेंट जो या आपका जो चेक है उसको चेक करने के लिए। MICR एनकोडिंग, इसको देखें जब आप, मैंने आपको कहा ना कि जब आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक वाले आपको एक चेक बुक देंगे, उस चेक बुक के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं जिसको लीव्स कहा जाता है, तो हर लीफ के बॉटम में जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कोडिंग की जाती है, उसको MICR कोडिंग कहा जाता है। ख़ास किस्म के मैग्नेटिक इंक से उसको कोड किया जाता है और फिर इस डिवाइस के जरिए से आप उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द चेक पे होता है, वाउचर्स पे वगैरह। ठीक है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं, बैंक कोड इसके अंदर हिडन होता है, बैंक अकाउंट अमाउंट आपका जो अकाउंट उस बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है उसका नंबर इसके अंदर हिडन होता है, चेक नंबर इसके अंदर हिडन होता है। ठीक है, इसी तरह चेक अमाउंट जो है और एक कंट्रोल इंडिकेटर जो है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हिडन होती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये MICR डिवाइस जो है इसको रीड करती है और फिर आपको डिस्प्ले करके बता देगी कि आपके पास इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है। बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है ओनली फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। ठीक है, चेक को चेक करने के लिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है। ये डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर हमारे सेकंड डिवाइस है MICR, स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड हमारे पास जो डिवाइस है वो हमारे पास है डेटा स्कैनिंग में, वो है BCR, बार कोड रीडर। ठीक है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर भी नजर आ रही है, ये डिवाइस जो है हैंड हेल्ड है, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं डेस्कटॉप पे। ये ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जब आप कुछ चीज़ें परचेज करते हैं तो इस डिवाइस के ज़रिए से उसकी जो एंट्री है वो कंप्यूटर के अंदर की जाती है। तो वे जो आप जो आइटम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कुछ जो है थिक और थिन लाइंस होती हैं, जो आपके प्राइस टैग होता है किसी भी डिवाइस का, तो उस डिवाइस के जो प्राइस टैग है उस पर कुछ थिन या थिक लाइंस होती हैं, उन लाइंस को कहा जाता है क्या, UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, तो BCR बार कोड रीडर इसको कहा जाता है। मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये कुछ लाइंस हैं थिक या थिन लाइंस होती हैं, इन लाइंस को क्या कहते हैं, इनको UPC कहा जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है ये जो 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 थिक और थिन लाइंस है, ये जो आपके जो आइटम है उसके प्राइस टैग पे ये लाइनें लगी होती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो आइटम है ये है क्या चीज़। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आइटम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है, किसने बनाया है, टाइप क्या है, उसकी प्राइस क्या है, तो बहुत आसानी से हम इसको स्कैन कर सकते हैं इस डिवाइस के जरिए से। ठीक है, ये भी हिडन इंफॉर्मेशन होती है, जिस तरह लिखा है कि प्राइस, मैन्युफैक्चरर कौन है उसका, ठीक है, टाइप ऑफ द आइटम क्या है, प्राइस वगैरह। तो एक तो ये है कि BCR जो है इस कोड को रीड करता है और आपको डिस्प्ले कर देता है प्राइस जो है, बाकी इंफॉर्मेशन। इस डिवाइस के जरिए से हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा जो है वो
जो स्टॉक है वो भी साथ साथ इसके जरिए से मेंटेन होता है, यानी हमें पता चलता जाता है कि एक आइटम अगर सेल हो गया तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त स्टॉक के अंदर ये आइटम की जो बाकी क्वांटिटीज हैं वो इतनी रह गई हैं। तो जितने आइटम्स हम सेल करते जाएंगे साथ साथ हमें जो है वो स्टॉक जो है उसकी जो करंट सिचुएशन है स्टेटस है वो भी साथ साथ, वो थ्रू सॉफ्टवेयर होता है। इस डिवाइस का काम सिर्फ स्कैन करना है, ये जो हिडन कोड्स हैं इन कोड्स को क्या करता है स्कैन करता है और इससे हमें पता चल जाता है इसके अंदर इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, बाकी इस डिवाइस का काम जो है वो कंप्यूटर के अंदर, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के जरिए से जो है वो फिर बाकी जो कैलकुलेशन वगैरह और सब कुछ जो है उसके जरिए से किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ जो है इस डिवाइस को जो है स्कैन करने के लिए है और वो जो लाइंस होती हैं जिसे हम UPC कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर उसकी प्राइस हिडन होती है, तो उसको प्राइस हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो जाती है और हम उसके जरिए से फिर मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं उसको अपने स्टॉक के अंदर हमें उसके स्टेटस भी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये डिवाइस है ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर, आजकल तो बहुत सारे पेशावर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर ये डिवाइस आपको विजिबल होगी, नज़र आएगी, आप चीज़ें परचेस करें तो आपको इसके ज़रिए से जो है वो आइटम्स जो है उसको स्कैन करके उनकी प्राइस और आपको जो है वो बिल बनाकर इनवॉइस बनाकर दिए जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस में क्या थी, थर्ड डिवाइस थी और वो हमारे पास है BCR। अब चौथा हमारे पास जो है वो डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, वो है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ठीक है, अच्छा ये डिवाइस जो है इसका क्या काम है, इस डिवाइस को ज्यादातर यूज किया जाता है पेपर को चेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो पेपर जिसके अंदर MCQs हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, ठीक है, वो पेपर जिसके अंदर आपके आजकल हमारे पास यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा ईटा वगैरह के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इस टेस्ट को जो है इसके अंदर अक्सर आप अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह अटेम्प्ट किया है, उनका कोई टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किया, तो आपने देखा होगा कि उनके जो पेपर होते हैं उसमें एक जो है जो शीट होती है इस पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं और दूसरी जो शीट है उसमें आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका नंबर और चार चार ऑप्शन या पांच पांच ऑप्शन दी जाती हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, ऊपर आप जब रोल नंबर भी इसमें अपने एंटर करेंगे तो वो भी आप इसी तरह इस तरह के तौर पर 5, 4, 3, 2, 1 है तो 5 वाले फिगर को फिल करेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, 2 को, 1, इस तरह जो है वो रोल नंबर भी एंटर किया जाता है। अब ये डिवाइस जो है इसमें होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एक पेपर है, ये जो कागज़ है जिसपे आपके जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके जो चार या पांच ऑप्शन दी हुई हैं ABCD, तो आपने क्या करना है पहले उस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर शीट आपको दी गई है इस पेपर पे आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो सही आंसर है उसको फिल कर देना है। ठीक है, तो जो आप समझते हैं कि उसके ऑप्शन वहाँ पर दी होती हैं क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन दी होती हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये और ये जो भी ऑप्शन है, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है, वहाँ से रीड करना है, उसका जो भी रिलेटिव ऑप्शन है उसको देखना है, फिर आपके हिसाब से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होना चाहिए, ए है या बी है या सी है या डी जो भी है, तो आप इस दूसरी जो शीट है इस पर आप उसको क्या कर देंगे, उस ऑप्शन को फिल कर देंगे। एक ख़ास किस्म की पेंसिल इसके लिए यूज की जाती है, उसको नंबर 2 लीड पेंसिल कहा जाता है। ठीक है, वो भी बाज़ूकात जो है वो टेस्ट कंडक्ट करने वाले देते हैं, उसको नंबर 2 लीड पेंसिल कहते हैं, और अगर नहीं तो आप किसी भी मार्कर से या पेन से इसको क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है, जब आप इसको फिल करेंगे चाहे उसमें 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं तरतीब उसकी यही है, तो यहाँ पर अपने 7, 8, 9, 10 हर क्वेश्चन के साथ चार चार पाँच पाँच ऑप्शन है, जो आप समझते हैं कि जो ऑप्शन आपके पास सही है आप उसको फिल कर देंगे। बाज़ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि अगर आपने गलत कर दिया तो आपको माइनस में भी आपके मार्क्स आएंगे, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप जो है अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अक्सर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं कि अगर गलत हो गया तो माइनस में नंबर आ जाएंगे, बाज़ टेस्ट में एक्स्ट्रा होता है, बाज़ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप जो है फिर सारे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन ये है, बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा शार्पनेस दिखाते हैं, उस ये कहते हैं कि चार या पांच ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगी, तो पांचों को फिल कर देते हैं। तो ये याद रखिए उस पेपर के ऊपर बकायदा इसमें लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है
कि अगर आपने सारे ऑप्शन को फिल कर दिया तो ये आपका क्वेश्चन जो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर वो जो ये चूंकि डिवाइस का काम तो क्या करना है, स्कैन करना है कि आपने जो डिवाइस मिसाल के तौर पर ये जो पेपर फिल किया है इस कागज़ को इस डिवाइस के अंदर लगाया जाता है और फिर उसको रीड करता है, स्कैन करता है कि क्वेश्चन नंबर वन में किसको आपने फिल किया हुआ है, वही चीज़ उसको स्कैन करते उठाता है और कंप्यूटर फाइल के अंदर डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा एंटर हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बना होता है, उस सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन नंबर वन का सही ऑप्शन दिया होता है कि क्वेश्चन नंबर वन का सही ऑप्शन क्या है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर वन जो है उसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर था और आपने जो दिया है वो आपने भी ए सही ऑप्शन दिया है, उसका मतलब है कि एक मार्क आपका हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर टू जो है उसका फॉर एग्जांपल सही ऑप्शन जो है वो बी था और आपने जो है वो डी इंटर कर दिया तो ये आपका अगर नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस वन देगा और अगर नहीं तो जीरो आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जितने भी वो आपने यहाँ पर फिल किए हो तो ये डिवाइस उसको स्कैन जो आपने यहाँ पर स्कैन किया उसको क्या करता है, उठाता है, स्कैन करता है और फिर डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। वहाँ पर मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है पूरा एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो आपने स्कैन किया उसको साथ उसको मैच करता है जो सही ऑप्शन हैं। अगर मैच सही है मतलब ए ऑप्शन सही था आपने भी ये दिया, इट मीन्स आपका एक मार्क्स हो जाएगा। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक के सही ऑप्शन आपने जो भी दिए हैं तो जो सही ऑप्शन उसके अंदर सॉफ्टवेयर में पड़े होते हैं उसके साथ मैच करके आपको रिजल्ट विद इन नो टाइम कैलकुलेट करके बता देता है। ये देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा कि इंटर टेस्ट वगैरह में हज़ारों की तादाद में जो है वो कैंडिडेट है अपेयर होते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो 12 या 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट भी जो है वो अनाउंस हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि इस डिवाइस के जरिए से उसको क्या कहता है, चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है। मेरे पास मुझे ये ठीक है, तो हमारे पास जो है ये ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन इस डिवाइस को कहा जाता है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि बास स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा सा जो है शार्पनेस दिखाते हैं और सारी के ऑप्शन फिल कर देते हैं कि सारी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही तो होगी, तो उसमें ये है कि फिर सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने एक चेक लगाया होता है, कंस्ट्रेंट लगाया होता है, कंडीशन लगाई होती है, अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई हो जाए तो फिर रिजल्ट आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है उस पर अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय जो सही ऑप्शन है उसी को चेक करें और फिल करके देखें। ठीक है, तो आल्सो इसको कॉल ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क या ओएमआर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें हम कैप्चर करते हैं किसको, ह्यूमन मार्क डेटा को जो हम इंसानों ने मार्क किया। देखिए हम इंसानों ने इसको मार्क किया हुआ है ना, इंसान इसको ह्यूमन बीइंग, आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आप उसको फिल करेंगे तो जो सही ऑप्शन आपको नजर आएगी आप उसको फिल कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट डेटा, फ्रॉम डॉक्यूमेंट ये आपका डॉक्यूमेंट है, इससे वो क्या करता है, कैप्चर करता है, स्कैन करता है डेटा और आपको कंप्यूटर के अंदर वो डेटा एंटर हो जाता है। वहाँ पर मैंने आपको कहा कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, उस सॉफ्टवेयर में जो सही ऑप्शन है वो उसके अंदर मौजूद होती है, दोनों को कंपेयर किया जाता है तो अगर सही होगा तो आपको प्लस रिजल्ट मिलेगा और अगर गलत है तो मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग में भी अगर है बाज़ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर में हो, अगर मार्किंग नेगेटिव मार्किंग हो फिर उसमें क्या होता है आपके माइनस में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट से ये कैप्चर करता है, सच एज सर्वे कोई कर रहे हैं या कोई टेस्ट आपका है। ठीक है, लेकिन वो टेस्ट जिसके अंदर कौन से क्वेश्चन हो, MCQs हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन हो। ठीक है, या कोई सर्वे है कहीं पर आप सर्वे के लिए जा रहे हैं तो अक्सर वो रेफरेंडम वगैरह होता है तो उसमें आप लोगों से मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पूछते हैं लेकिन यस नो में आपने जवाब देना होता है, दूसरी कोई आपके पास या यस ना नो या आपके पास जो है तीसरी ऑप्शन ये है कि नो कमेंट्स, यानी दो तीन ऑप्शन है लेकिन जिसमें से आपने किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है सर, ये डिवाइस डिस्क्रिप्टिव पेपर को नहीं स्कैन करती, ये सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसको स्कैन करने के लिए, उसको क्वेश्चन ईयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन ईयर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हों और हर क्वेश्चन के फिर आगे मल्टीपल तीन चार पांच ऑप्शन और उनमें से आपने कोई चूज करना है। ठीक है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर पे होते हैं उसको आप क्या करेंगे, लाइन या शेडेड के जरिए उस एरिया को क्या करेंगे, फिल करेंगे उसको यहाँ से जिस तरह ये दिया हुआ है और फिर ये पेपर इसमें लगा के आपको कंप्यूटर कैलकुलेट करके बता देता है आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि बाज़ ऐसे वो हैं एग्जाम्स हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, एक ख़ास किस्म की पेंसिल दी जाती है, उसको नंबर टू लीड पेंसिल कहते हैं और उस पेंसिल की मदद से जो है वो आप उस पेपर को फिल करेंगे।
तो अगर इसलिए होता है ना कि वो बाजुकात होता है, बाजुकात ये आम मार्कर और पेन से भी इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका काम ये वो क्या है, ये हमारे डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर फोर्थ नंबर पे डिवाइस थी, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। मेरे पास सुनिए ये नहीं, ठीक है, क्लियर है बात। ये हमारा जो है इनपुट डिवाइसेस के अंदर डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस जो है ये भी कैटेगरी खत्म हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो है इनपुट डिवाइसेस के अंदर वो हमारे पास क्या है, वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस है। तो वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस का क्या मतलब है, इस तरह नाम से जाया है, वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस यानी वो डिवाइस जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं बोल के, यानी हम बोलते जाएं और कंप्यूटर हमारे लिए क्या करे, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे लिए काम करे, ठीक है। ये डिवाइस इतनी ज़्यादा पॉपुलर या इस वजह से नहीं है कि अभी कोई अच्छी ऐसी स्टैंडर्ड डिवाइस नहीं बनाई जो हर कंप्यूटर के अंदर यूज हो। वजह रीज़न उसकी ये है कि जो कंप्यूटर के यूजर्स हैं, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले बंदे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोज आर डिफरेंट लोकेशन, जियोग्राफिकली डिफरेंट जगहों पे होते हैं। यानी अगर इंग्लिश के हिसाब हम लें तो अमेरिकन जो इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन हैं इंग्लिश की वो डिफरेंट हैं, ठीक है। ब्रिटिश जब इंग्लिश बोलते हैं तो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, इसी तरह पाकिस्तान एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं तो हर एक बंदे की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। तो कंप्यूटर रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि क्या करना है। एक डिवाइस बनाई गई है ज़्यादातर जो है डिसेबल यूजर्स के लिए, जो जिन जो है हैंडीक्राफ्ट बंदे हैं, डिसेबल यूजर्स हैं, तो वो अगर मिसाल के तौर पर कंप्यूटर में कुछ काम करना चाहें तो इन डिवाइसेस की मदद से काम कर सकते हैं। मोस्ट फेमिलियर जो है आजकल हमारे पास जो है वो वॉइस जो है गूगल लैप मोबाइल के अंदर हमारे पास यूज होता है स्पीच के नाम से, ठीक है। अक्सर हम ये जो है इसके अंदर भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी हम यूज़ करते हैं कि अगर हम कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते या नहीं लिखना चाहते तो हम वॉइस के जरिए से मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और वॉइस कमांड डिवाइस, इसको VCD भी कहा जाता है, वॉइस VCD। और वॉइस कमांड डिवाइस इज अ डिवाइस कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ ह्यूमन वॉइस, एक ऐसी डिवाइस जिसके हम इंसान अपनी आवाज़ के जरिए से उसको क्या करें, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, बाय रिमूविंग द नीड्स टू यूज बटन्स, यानी कोई बटन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस तरह माउस के अंदर बटन होते हैं, कीबोर्ड के अंदर बटन होते हैं, किसी चीज़ को हम डायल नहीं कर रहे, ठीक है, कोई हम स्विचेस वगैरह यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, कंज्यूमर्स कैन इजली ऑपरेट अप्लाइंसेस विद देयर हैंड्स फुल और वाइल डूइंग अदर टास्क, यानी जो कंज्यूमर है इस्तेमाल करने वाला बंदा है वो क्या करना चाहता है, वो उस डिवाइस को यूज तो करना चाहता है लेकिन उसके हाथ इस वक्त जो है वो फ्री नहीं है, या वो कोई और काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर ड्राइंग वगैरह आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में आप चाहते हैं कि आप जो है किसी चीज़ को रिसीव भी करें, सेंड भी करें। सम ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ VCD कैन बी फाउंड इन होम अप्लायंसेस, आजकल घरों के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं होम अप्लायंसेस के अंदर, मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन के अंदर जो है ये चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि आप किसी चीज़ यानी क्लॉथ वगैरह को वॉश करना चाहते हैं तो वॉश मशीन के अंदर जो है VCD का फीचर है, वो आपकी आवाज़ के मुताबिक जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करेगा और आपके लिए वो काम करेगा, ठीक है। ऑपरेट वॉशिंग कंट्रोल थ्रू वोकल कमांड, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वॉइस एक्टिवेटेड डायलिंग स्कीम मौजूद है कि आप बोले नंबर और आपके लिए नंबर डायल करके बता देगा। इवन MS ऑफिस के अंदर जो है MS ऑफिस 2010 से ऑनवर्ड जो है इसके अंदर स्पीच रिकग्निशन का फीचर भी मौजूद है। स्पीच रिकग्निशन ये होता है कि आप जो भी बोलेंगे वो कंप्यूटर आपके लिए जो है वो उस कमांड को अप्लाई करेगा, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस है क्योंकि उसमें उसको सिखाना पड़ता है कंप्यूटर को, कम से कम एक लफ्ज़ को एक वर्ड को एटलीस्ट 10 times आप बोलेंगे तो वो रिकग्नाइज करेगा कि आपने क्या चीज़ एंटर की है। क्लियर हो गई बात, बस मुझे ये नहीं। तो ये हमारा जो है इनपुट डिवाइसेस का जो टॉपिक है ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, बल्कि हमारा यूनिट नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सॉरी इसमें एक डिवाइस सिर्फ टॉपिक कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी। कल इंशाल्लाह जो है हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे,
कि कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड होती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अभी तक आपसे सिर्फ एक जो है वो क्विज लिया हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 2 or 3 days आपसे दूसरा क्विज भी मैं ले लूँ। पहला क्विज जो है एक टेस्ट था, बेसिकली क्विज जो स्टूडेंट नए हैं तो उनके लिए पहला एक टेस्ट मैं ले चुका हूँ ICT के अंदर MCQ टाइप का। सेकंड क्विज भी मैं इंशाल्लाह आपसे लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन टेस्ट आपसे लूँ, कि उसी वक्त आप मुझे उसको जो है उसके जो प्रोसेस है उसी वक्त मुझे उसका आंसर रिजल्ट वगैरह भी मुझे फिल करके बता दें। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो तो आप पूछ सकते हैं।